हेलो गाइस, सो हेयर वी आर। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, और पिछली वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी तक कवर किया था, और उसके जो रूलर थे, सेकंड इम्पोर्टेंट रूलर इल्तुतमिश, जिसको हम अल्तमस नाम से जानते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि अगली वीडियो में हम रजिया सुल्तान यानी कि रजिया बेगम के बारे में से बात करेंगे, और पूरी स्लेव डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स थे उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया था वो था 1206 एडी से 1526 एडी तक। और 1526 में गाइस कौन आया था? बाबर। ठीक है, बाबर ने इन्वेट किया था और दिल्ली सल्तनत को खत्म करके अपना मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत में हम टोटल 5 डायनेस्टीज पढ़ते हैं। पहली है स्लेव, ठीक, दूसरी कौन सी? खिलजी, फिर तुगलक लोग आते हैं, फिर सैयद लोग आते हैं, सैयद वंश, देन उसके बाद सबसे लास्ट में जो आती है डायनेस्टी, डेट इज लोदी डायनेस्टी। ठीक है, सो इनका मैं टाइम पीरियड भी आपको बताते चलता हूँ। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, स्लेव होते हैं मोहम्मद गौरी के, और 1290 में इनकी स्लेव डायनेस्टी जो है एंड हो जाती है। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर इसके बलबन होते हैं, अभी उसके बारे में भी हमें बात करनी है। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, 1290 से ये शुरू होती है और 1320 तक चलती है। तो गाइस, खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। और वो जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं ना, जो ये स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जिसको उलुग खान के नाम से हम जानते हैं, उसकी आर्मी में एक सिपाही होते हैं, ठीक है, खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी, तो वो खिलजी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। फिर हम तुगलक डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से गाइस 1412 एडी तक है। ठीक है गाइज, उसके बाद फिर 2 साल का थोड़ा गैप होता है इसके बीच में, फिर सैयद डायनेस्टी आती है 1414 से, ये टाइम पीरियड है इसका। और तुगलक डायनेस्टी का जो मैंने आपको बताया था वो थे कौन? गियासुद्दीन तुगलक थे गाइज इसके फाउंडर, तुगलक डायनेस्टी के। फिर सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1414 से गाइज 1451 एडी तक जो है सैयद लोग रूल करते हैं दिल्ली पे। उसके बाद फिर लोदी डायनेस्टी, और गाइस सैयद डायनेस्टी के जो सैयद वंश के जो फाउंडर थे वो थे खिज्र खां, राइट। सो लोदी डायनेस्टी आती है फिर, जब सैयद डायनेस्टी का समापन होता है 1451 में, तो लोदी लोग आते हैं, लोदी वंश चलता है दिल्ली पे, रूल करते हैं ये लोग। और ये 1451 एडी से लेके जब तक बाबर आता है ना, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर होते हैं इस लोदी डायनेस्टी के, 1526 एडी तक जो है ये लोग रूल करते हैं। और गाइस, इसके जो फाउंडर होते हैं लोदी डायनेस्टी के, बहलोल लोदी होते हैं, ठीक है, और बहलोल लोदी रिप्लेस करते हैं सैयद डायनेस्टी को। और गाइस, इस सैयद डायनेस्टी के अंतिम रूलर यानी कि लास्ट रूलर होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है गाइस, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, जिसको कौन रिप्लेस करते हैं? ये लोदी डायनेस्टी के बहलोल लोदी। तो ये था गाइस डिटेल इन सब दिल्ली सल्तनत में, हमें यहां से लेके यहां तक पढ़ना है, फिर हम मुगल एम्पायर शुरू करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में एडवेंट ऑफ इस्लाम किया था गाइस, क्या किया था हमने? तो गाइस, ऑन लास्ट वीडियो हमने किया था एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें बताया था प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को लेकर, इस्लाम के जो हैं जन्मदाता एक तरफ से हम कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स है आप उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो आते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम, राइट, आते हैं यहाँ पे 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनवी आते हैं। उसके बाद जो आते हैं मोहम्मद गौरी आते हैं, ठीक है गाइस, मोहम्मद गौरी। अब बेसिकली इसमें देखी जाए
तो जो गाइस ये तो प्रॉफिट मोहम्मद, ये इस्लाम के फाउंडर हैं, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, ये तो एक तरफ से भगवान है, ठीक है, इन्होंने कुरान कंपोज की है। और उसके बाद फिर ये जितने आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, ये जो है ये अरबी हैं, ठीक है, अरब अरब के रहने वाले थे तो इसलिए अरबी हो गए, ये अरबी थे। और बाकी जो ये दो इन्वेडर आए थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी भी लूटने वूटने के काम से आया था और मोहम्मद बिन कासिम भी। तो ये जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी हैं, ये दोनों टर्किस थे। अब टर्किस थे तो फिर यहाँ पे टर्किस रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है गाइस। सो ये था, और हमने पिछली वीडियो में बात की थी, हमने देखा था कि जो स्लेव डायनेस्टी पे हम चर्चा कर रहे थे, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो था गाइस 1206 एडी में, जब मोहम्मद गौरी, जो इनकी डेथ हो जाती है ना गाइस, इनकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो इनके एक स्लेव होते हैं, क्या नाम होता है उन स्लेव का, कुतुब उद्दीन ऐबक, ठीक है गाइस, कुतुब उद्दीन ऐबक। सो ये फाउंड करते हैं स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी की रूल नींव रखते हैं। और स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1206 एडी से 1290 एडी तक, ये हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में जो पहले रूलर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है गाइस, जिनका टाइम पीरियड होता है 1206 से लेके 1210 तक ये रूल करते हैं। उसके बाद फिर जो है इनका एक बेटा है आलम शाह गाइस, तो आलम शाह रूल करता है, वो कुछ टाइम ही रूल करता है, 5-6 महीने। तो फिर यानी कि अगर 1210 में कोई, अगर मान लो सितंबर या अक्टूबर में इनकी डेथ होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो फिर 5-6 महीने मान लो, फिर 1211 से जो है 1210 से 1211 तक ये रूल करते हैं, यानी कि 5-6 महीने 6 मंथ्स ये रूल करते हैं, ठीक है। फिर गाइस जो तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर आता है इल्तुतमिश, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो है गाइस, अल्तमश भी बोलते हैं इसको, अल्तमश, ठीक है गाइस, अल्तमश। तो इसका जो टाइम पीरियड है गाइस, ये 1211 से आता है, 1211 से 1235 तक ये रूल करता है इल्तुतमिश, ठीक है गाइस। इसकी एक बेटी होती है रजिया सुल्तान, ठीक है गाइस, रजिया सुल्तान, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, अगली इंपॉर्टेंट रूलर है, और इसके बारे में अभी हमें बात करनी है, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो गाइस रूल करती है वो 1236 से करती है 1240 तक, ठीक है गाइस, 1236 से 1240 तक, और ये 3 साल 6 महीने कुछ ऐसे इसका टाइम पीरियड होता है रूल करने का, 3 ईयर्स 6 मंथ्स 6 डेज गाइस, सो 3 ईयर्स 6 मंथ 6 डेज ये इसका रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 3 साल 6 महीने और 6 दिन ये रूल करती है दिल्ली पे। अब गाइस देखो, यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश है उसने 40 नोबल्स का एक ग्रुप तैयार किया था, जिसको हम बोलते हैं तुर्क ए, ठीक है गाइस, तो 40 नोबल्स का एक ग्रुप तैयार किया था तुर्क ए चहलगनी, जिनका काम क्या होता था, किंग को सपोर्ट करना, यानी कि इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था, तो इल्तुतमिश को सपोर्ट करना, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे, उसके इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारी चीजों पे उनको राय मशूरा देना, और उनकी एक तरफ से हेल्प करना, एक तरीके से कैबिनेट टाइप की हुआ करती थी इल्तुतमिश की, ठीक है। सो अब देखिए, हम देख रहे हैं कि 1235 एडी में जो है इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, तो इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है गाइस, और एक बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, और एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और एक बेटा था अल्लाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है गाइस। तो ये इसके बच्चे हो गए इल्तुतमिश के, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम देख रहे हैं, देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी रूल करता है, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद भी रूल करता है, और अल्लाउद्दीन मसूद शाह भी रूल करता है।
ठीक है। और इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट रूलर बलबन, गयासुद्दीन बलबन उर्फ उलुग खां। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि जो तुर्क के चहलगामी इल्तुतमिश ने बनाई थी गुरु, यानी कि ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स, जिसे हम चालीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? चालीसा। तो अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, इल्तुतमिश के बाद, ठीक है, और इसी का हाथ होता है एक तरीके से अगर हम बोले तो दिल्ली सल्तनत को का जो विनाश होता है ना स्लेव डायनेस्टी का, तो वो इनका हम तरीके इनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा हैंड होता है उस पर, क्योंकि ये जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो तुर्क के चहलगामी है इन्हीं में, इन 40 मेंबरों में से एक मेंबर होता है ये गाइस, ये जो बलबन है ना, जो अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है, ठीक है, बलबन, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है इस पूरी स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, तो इसकी कुछ पॉलिसीज वगैरह है वो तो जब अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ जब मैं बलबन की बात करूंगा। सो अभी मैं फिलहाल बोल रहा हूँ रजिया सुल्तान की बात हम कर रहे हैं। तो रजिया सुल्तान के ये भाई होते हैं नासिरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, अल्लाउद्दीन, मशूद शाह। तो गाइस होता यह है कि इनके एम्पायर में इनका जो स्टेबल होता है ना घोड़ों का, हॉर्स स्टेबल होता है, तो उसका एक इंचार्ज होता है इल्तुतमिश के टाइम पे, हॉर्स स्टेबल जो यानी कि अस्तबल होता है घोड़ों का, जहां घोड़े वगैरह रहते हैं उनका एक इंचार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं याकुत। आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम याकुत, इसे बोलते हैं रजिया सुल्तान का लवर। ठीक है, और एक गाइस होता है अल्तुनिया, अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया भी इसका फ्रेंड होता है रजिया सुल्तान का, बचपन का फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, और साथ ही साथ इसके यहाँ पे भटिंडा का गवर्नर होता है, भटिंडा का गवर्नर होता है। ठीक है गाइस, अब एक चीज और आपको मैं बताऊं, ये जो तुर्क के चहलगामी ये 40 लोग हैं, इन इन जितने भी मेंबर्स हैं नोबल्स हैं, इनको हम आमिर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आमिर्स हम बोलते हैं तो पहले जो याकूत होता है ना गाइस, याकूत ये खाली एक इसका इंचार्ज होता है, हॉर्स स्टेबल का इंचार्ज होता है। ठीक है, तो बाद में इसको जो है इल्तुतमिश इसके मतलब इसकी बहादुरी के कारण इसको आमिर का दर्जा दे देता है, यानी कि इसको इस 40 नोबलों में एंट्री दे देता है। ठीक है, और अल्तुनिया जो होता है ये भी इन 40 नोबलों में से एक होता है, और भटिंडा का गवर्नर होता है, और इल्तुतमिश का खास होता है। ठीक है, अब जो रजिया है, रजिया बेगम, तो उसको याकूत बहुत पसंद होता है। ठीक है गाइस, और इस बात से जो है जो नोबल्स लोग हैं ये बड़ा चिढ़ते हैं, तुर्क के चहलगामी लोग बड़ा चिढ़ते हैं, दे आर जेलस ऑफ रजिया कि सी इज हैविंग अ रिलेशन, सी इज हैविंग अफेयर्स विद याकूत। ठीक है, जो कि क्या है, एक एक छोटा सा एक क्या है, नौकर है, एक स्लेव है। ठीक है, और दिस इज नॉट गुड फॉर द एम्प्रेस रजिया। ठीक है, और ये पूरा जो है स्लेव डायनेस्टी ममलुक डायनेस्टी के लिए अच्छा नहीं है। सो ये लोग काफी इसके लिए इसके खिलाफ होते हैं, इनके रिलेशन के खिलाफ होते हैं। तो होता क्या है, धीरे धीरे ये लोग, ये जितने भी तुर्क चहलगामी वाले लोग हैं, ये इसको इसको अल्तुनिया को, वैसे अल्तुनिया भी इन्हीं का एक मेंबर होता है, और साथ में जो है रजिया सुल्तान को फिनिश करवा देते हैं। ठीक है, सो है ये कि जो रजिया सुल्तान है, रजिया बेगम, इसके जो भाई होते हैं ये इतने कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है 1236 एडी से 1240 तक है, और हम यहां देख रहे हैं कि जो इल्तुतमिश रूल करता है 1211 से 1235 रूल करता है। हमें कुछ एक टाइम पीरियड गैप दिख रहा होगा ना, 35 और 36 के बीच में कुछ महीनों का गैप है। ठीक है, तो उसके बीच में जो कौन रूल करता है, ये अल्लाह, ये जो है ना रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका भाई है, ये रूल करता है। अब इसको गद्दी पे कौन बिठाता है, जो इसकी वाइफ होती है ना, किसकी, इल्तुतमिश की वाइफ जो होती है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, शाह तुर्कान, राइट गाइस। तो गाइस ये जो शाह तुर्कान होती है ये अपने बेटे के काफी फेवर में होती है, कौन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके काफी फेवर में होती है ये। और ये जो है इतना इनकैपेबल होता है, इतना नालायक होता है, ये अपनी पूरी जिंदगी जो ऐशो आराम में गुजार देता है, राइट गाइस। तो इसके बस की नहीं होती है, ठीक है, एम्परर चलाना, एम्पायर चलाना गाइस। सो फिर कौन आती है इसके बाद, इस जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1235 और 36 के बीच में कौन आता है गाइस, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। इसके बस की नहीं होती है तो इसको जो है ये नोबल्स लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हटा देते हैं
तो उसके बाद फिर ये बलबन सॉरी ये जो रजिया सुल्तान है, रजिया बेगम, इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये इल्तुतमिश के टाइम की बात है, तो इल्तुतमिश इसको अपॉइंट करवा देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। ठीक है गाइज, सो फिर उसके बाद जो है ये जो है हमारा अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, जब ये इसका जो टाइम पीरियड ओवर होता है ना 1240 में, तो गाइज 1240 से लेके 1242 तक, 1240 से लेके 1242 तक कौन रूल करता है गाइज? अलाउद्दीन मसूद शाह रूल करता है। ठीक है गाइज, 6 days, यानी कि तो गाइज ये जो है 3 years 6 months और 6 days रूल करती है कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, जब ये सत्ता पे आती है तो गाइज इसके भाई होते हैं, इसके भाई कौन कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ गाइज। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनकी मदर कौन होती है, सात तुर्कान, ये इल्तुतमिश की वाइफ होती है। अब इनके बच्चे जो हैं इल्तुतमिश और सात तुर्कान के, ये होती है रजिया, ठीक है, पहली जो काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, जो रूल करती है 3 साल 6 महीने 6 दिन। ठीक है, और है फिरोज शाह, यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है गाइज, और उसके बाद जो है फिर एक बहराम शाह है, ठीक है गाइस, और उसके बाद है अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद। ठीक है गाइस, उसके बाद जो है गाइस नासिरुद्दीन महमूद, ये सारे इल्तुतमिश के बच्चे होते हैं, किड्स ऑफ इल्तुतमिश नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है इतना इनकैपेबल नहीं होता है, ठीक है, एक जिंदा लाश की तरह होता है। तो इसका भी जो बेटा होता है ना गाइस, उसका नाम भी क्या इसी के नाम से पड़ता है, नासिरुद्दीन महमूद के नाम से पड़ता है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, सही है। तो अब ये जो है ये सारे इल्तुतमिश के बच्चे हैं, रजिया, फिरोज, बहराम, अलाउद्दीन, नासिरुद्दीन। तो जब इल्तुतमिश की डेथ होती है 1235 AD पे, तो सडनली उसके बाद क्या होता है कि जो टर्किश नोबल्स होते हैं ना, ये जो टर्किश नोबल्स मैंने बताया था, तुर्क तुर्क ए चहलगनी, तो गाइज ये जो है 40 लोगों का एक ग्रुप होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं राजा की तरफ, ठीक है, उसकी सारी हेल्प करते हैं। तो ये जो है इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये लोग काफी पावरफुल हो जाते हैं, और इन्हीं 40 लोगों में से एक मेंबर होता है बलबन, जो कि अगला नेक्स्ट रूलर होता है रजिया के बाद। मतलब ऐसे इसके सारे भाई रूल करते हैं, और फिर बलबन की जब बारी आती है तो ये जो है पूरी सत्ता ही पलट देता है। ये जो तुर्क चहलगामी के जो मेंबर्स हैं, जो इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था, ये इन्हीं को हटा देता है। ये कहता है कि ये जो ये हैं मेंबर्स हैं, ये नोबल्स हैं, ये जो है हमारी सल्तनत, यानी कि ये जो है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्या करता है गाइस बलबन, इनके लिए स्पाइस भी रखता है, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था भी शुरू कर देता है, ताकि वो जो गुप्तचर हैं इसके, वो इन पे नजर रख सकें कि कहीं ये मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहे हैं, कोई कहीं ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तो जो ये है, ये बलबन का जब मैं अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में सब कुछ, ये सब मैं इंक्लूड करूंगा। तो फिलहाल हम चल रहे हैं इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया आती है। तो गाइज रजिया का जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि 1236 से लेकर 1240 तक, और 3 साल 6 महीने 6 दिन ये रूल करती है। ठीक है गाइज, फिर जो है शाह तुर्कान जो है ये रजिया से काफी चिढ़ती है, ठीक है, और फिरोज शाह की काफी फेवर में होती है। अब ये क्यों चिढ़ती है? क्योंकि रजिया का एक अफेयर होता है याकूत से, ठीक है, रजिया का अफेयर होता है याकूत से, जो कि इसका कौन होता है, जो इनके वहां वो होता है ना हॉर्स स्टेबल होता है, ठीक है, हॉर्स स्टेबल होता है, यानी कि जो अस्तबल होता है घोड़ों का, जहां पे घोड़े वगैरह रहते हैं, तो उनका इंचार्ज होता है कौन होता है, याकूत। ठीक है गाइस, तो इसके संग इसका ये रजिया का अफेयर होता है, और इस बात से जो है ये नोबल्स जो है तुर्क चहलगामी वाले, ठीक है, ये लोग और ये खासतौर पर ये शाह तुर्कानी काफी चिढ़ती है, काफी मतलब ये जो है इनसे इनको अच्छा नहीं लगता है, और ये जो है कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं इसके बारे में, और इल्तुतमिश को भड़काते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, नोबल्स की हेल्प से जो है अपने बेटे फिरोज शाह को गद्दी पे बिठा देती है। और उस गद्दी पे जो बिठाने का टाइम होता है ना गाइस, वो होता है कब, ये जो रजिया सुल्तान बैठती है ना, इधर देखिए 1236
पे आती है, 1235 पे इल्तुतमिश की डेथ होती है। तो इल्तुतमिश की डेथ के तुरंत बाद जो है जो शाह तुर्कान है ये कॉन्स्पिरेसी करके अपने बेटे को फिरोज शाह को जो है गद्दी पे बिठा देती है। लेकिन जो इल्तुतमिश है वो ये नहीं चाहता, क्योंकि फिरोज शाह जो है काफी इनकैपेबल रूलर होता है, काफी ऐसो अय्याशी करता है, ठीक है, और उस पे राजा की कोई क्वालिटी नहीं होती है। और जो उसके कंपेयर में अगर रजिया की बात करें तो रजिया सुल्तान जो है काफी इम्पोर्टेंट होती है, काफी तेज तर्रार होती है, ठीक है गाइस। इसे तलवार चलाना आता है, तलवारबाजी बहुत अच्छे से करती है, घुड़सवारी बहुत अच्छे से करती है, तीरंदाजी बहुत अच्छे से करती है गाइस। तो इस पे वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक राजा पे होनी चाहिए। सो सी होल्ड ऑल दोस क्वालिटीज विच अ किंग शुड पजेस, राइट। तो यही कारण है कि जो इल्तुतमिश चाहता है कि जो मेरा नेक्स्ट रूलर बने वो मेरे बेटे ना बनके मेरी बेटी बने, ठीक है। तो उसे नॉमिनेट करके चला जाता है। तो फिर जब फिरोज शाह को जब सत्ता में बिठा देते हैं तो ये नोबल्स देखते हैं कि ये इतना कैपेबल नहीं है, और ये क्या करता है काफी मतलब वहां पे राज्य में उत्पात टाइप का मचा देता है। तो इससे परेशान होके जो है ये तुर्क चहलगामी वाले लोग जो हैं जो इसको फिरोज शाह को हटा देते हैं। फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह गाइस इसका पूरा नाम होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो ये क्या है इसको हटा देते हैं और फिर किसको रजिया सुल्तान को बिठा देते हैं। अब रजिया का जो है एक अफेयर चल रहा होता है याकूत से, इससे भी ये लोग बहुत परेशान होते हैं तुर्क चहलगामी वाले, ठीक है। तो इसके खिलाफ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रचते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो है ये लोग काफी पावर में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोनार्क और इन नोबल्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन टाइप का चलता है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जब फिरोज शाह को हटा देते हैं, रजिया सुल्तान आ जाती है गाइस। तो फिर रजिया का टाइम पर मैंने बताया, फिर रजिया के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है जब रजिया की डेथ हो जाती है गाइस, तो वो आता है कौन, वो आता है ये बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक है गाइस, बहराम शाह। इसके बाद गाइस बहराम शाह 2 साल रूल करता है, 40 से 42, ठीक है गाइस, 1240 से 1240 तक तू ये रूल करता है। उसके बाद फिर बहराम शाह के बाद गाइस आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। सो गाइस ये जो है इसका टाइम पीरियड है 1242, सो गाइस 1242 से 1246 तक इसका टाइम पीरियड है अलाउद्दीन मसूद शाह का। और इससे पहले जो रूलर था बहराम शाह, 1240 से 42 तक इसका टाइम पीरियड है। अब जो ये गाइस अलाउद्दीन मसूद शाह होता है ये पपेट रूलर होता है। कैसा रूलर होता है, पपेट, यानी कि जो है ये खाली नाम मात्र का राजा होता है और जितने भी सारे काम करते हैं कौन करते हैं, कौन करते होंगे गाइस, ये जो तुर्क चहलगामी वाले मेंबर्स हैं ना, चालीसा वाले जितने भी मेंबर्स हैं, 40 लोग, 40 सरदार हम बोले, 40 चीफ्स हम बोले, तो ये लोग हैं ये करते हैं, यानी कि ये एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर है और ये प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारा नॉमिनल हेड होता है नाम मात्र का। सो वैसे ही ये जो है नाम मात्र का राजा होता है, पपेट रूलर होता है, कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह। सो गाइज अब हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद जो होता है इसका बेटा होता है इल्तुतमिश का, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इसकी डेथ पहले ही हो जाती है। तो इसका एक और बेटा होता है नासिरुद्दीन महमूद नाम से, ठीक है, मतलब इसका एक बेटा होता है जिसका नाम भी नासिरुद्दीन महमूद होता है। तो उसके बाद जो अलाउद्दीन मसूद का जो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 1246 में, तो फिर इसको राजा बना देते हैं। अब ये काफी यंग होता है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला नासिरुद्दीन फर्स्ट तो ये हो गया और नासिरुद्दीन सेकंड ये हो गया गाइस, ठीक है। तो ये किसका बेटा होता है, इसका बेटा होता है, और इल्तुतमिश का क्या होता है, ये ग्रैंडसन होता है, यानी कि इल्तुतमिश इसका दादाजी होते हैं, ठीक है, किसके, इस नासिरुद्दीन महमूद के, ठीक है, उसके पापा का नाम भी यही होता है, ठीक है। सो अब इसको जो है 1246 में ये आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट रूलर होता है, ठीक है गाइस, 1246 से लेके ये रूल करता है कब तक, 1265 तक, जब फिर बलबन आ जाता है, 1265 में बलबन रूल करता है। और यहीं से हम देखेंगे कि जो बलबन है इसके काफी नजदीकी होता है किसके, नासिरुद्दीन महमूद के, क्योंकि ये काफी यंग होता है और बलबन क्या है, एक चीफ होता है ना, नोबल होता है। तो बलबन अपनी बेटी की शादी इससे करवा देता है, ठीक है, बलबन अपनी बेटी की शादी इससे करवा देता है, किससे, नासिरुद्दीन महमूद से, जो किसका बेटा है, नासिरुद्दीन महमूद का ही है, और नासिरुद्दीन महमूद किसका बेटा है, इल्तुतमिश का, ठीक है, इसके, तो मैंने आपको बता दिया ये सब। उसके बाद गाइस बलबन आता है, तो बलबन जो है इंपॉर्टेंट रूलर है। अब बलबन का जो टाइम पीरियड है गाइस वो है 1265 से लेके 1287,
तो 1265 से लेके 1286-87 तक जो है बलबन रूल करता है। और इसका गाइस पूरा नाम क्या होता है, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। अब रजिया के टाइम पे अगर हम बात करें तो एक तो याकूत होता है इसका अफेयर जिसके संग चल रहा होता है, और ये जो इंपॉर्टेंट है ना अल्तुनिया, अल्तुनिया ये गवर्नर होता है भटिंडा का, और इसके संग इसकी लास्ट में शादी हो जाती है। किसकी, रजिया बेगम की जो है शादी किससे होती है, अल्तुनिया से होती है, ठीक है। अब अल्तुनिया जो है ये भी याकूत से काफी चिढ़ता है, तो चिढ़ेगा ही जस्ट बिकॉज ये इसे अच्छा मानता है रजिया को, और रजिया किसे अच्छा मानती है, याकूत को। सो दैट्स व्हाई अल्तुनिया इससे काफी चिढ़ता है। तो पहले जो है याकूत की हत्या करवाने में इसका हाथ होता है अल्तुनिया का, और फिर अल्तुनिया की हत्या करवाने में किसका हाथ होता है, अल्तुनिया। और जो ये हैं जब ये शादी कर लेते हैं अल्तुनिया और रजिया, तो जंगल में जो है इनको कहीं रेस्ट कर रहे होते हैं, और उनको वहां पे रास्ते में कुछ जो है डाकू हम कह सकते हैं, तो ये डाकू लोग क्या इन पे अटैक कर देते हैं और मार देते हैं। अल्तुनिया इसका हस्बैंड होता है रजिया का, ठीक है गाइस। शादी कर लेती है लास्ट में, कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि शादी करनी पड़ती है, ठीक है। अब जो है ये था रजिया के बारे में, और हम बात कर रहे हैं अब बलबन के बारे में, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। अब ये जो है ये जो जितने भी रूलर्स हैं नासिरुद्दीन महमूद वगैरह, तो नासिरुद्दीन महमूद जो इसका बेटा था, किसका, इस वाले नासिरुद्दीन महमूद का, तो इसने क्या किया, बलबन को एक उपाधि दी, किसकी, उलुग की, उलुग खां हम बोलते ना, उलुग खां। तो ये जो टाइटल दिया था इसी नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था, किसको, बलबन को दिया था, ठीक है, बलबन को दिया था। और मैंने आपको बताया था ये पपेट रूलर था, कौन था पपेट रूलर, अलाउद्दीन मसूद शाह, है ना, पपेट रूलर था, ठीक है, पपेट रूलर था, नाम मात्र का रूलर था। तो सारा जो है काम काज कौन करता था, यही बलबन करता था। और तब से जो है ये, मतलब हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड तो 1265 से है, लेकिन जो मेन इसका कारोबार करने का टाइम है वो यहां से ही शुरू हो जाता है बहराम शाह की डेथ के बाद, ठीक है। फिर बलबन आता है, बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे, बलबन इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन, तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है वो 1265 से लेके 1287 तक है, ठीक है गाइस, गियासुद्दीन बलबन। अब जो है इसका ओरिजिनल नेम हम अगर देखें तो वो है बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, ठीक है। और गाइस इसके कुछ टाइटल्स हैं जो कि, पहला तो मैंने आपको बताया था नासिरुद्दीन महमद, जो महमूद जो इल्तुतमिश का पोता था, उसने इसको दिया था, और वो क्या था, उलुग खां, ठीक है। उसके बाद जो है गियासुद्दीन, ठीक है, हम ये जो हमने यहां पर दिखाया गियासुद्दीन बलबन, तो ये भी इसको टाइटल दिया था, किसने दिया था गाइस, गियासुद्दीन जो है इसने खुद लिया था, गियासुद्दीन इसने खुद लिया था आफ्टर कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है, सेरेमनी यानी कि आफ्टर कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है, यानी कि जब ये राजगद्दी पे बैठा था, ठीक है, तो उसने उस समय जब इसका राज तिलक हुआ, ठीक है, तो उस समय जो है इसने इसकी गियासुद्दीन की उपाधि ली, और जो उलुग खान की उपाधि है इसको किसने दी थी, नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी, ठीक है भाई, गिवन बाय नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। और इसका एक टाइटल और इसने अडॉप्ट किया था, वो था जिल ए इलाही, जिसका मतलब होता है गाइस शेडो ऑफ गॉड, ठीक है, शेडो ऑफ गॉड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। सो गाइस ये है। अब इसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट जो इसने काम किया था, ही इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब ये जो ब्लड एंड आयरन है गाइस, ये क्या है, हम कहते रहे ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लौह बोलते हैं हिंदी में, रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है गाइस।
तो ये क्या था, ये एक ऐसी पॉलिसी थी जितने भी इसके विरोधी थे ठीक है, उनके खिलाफ ये एक पनिशमेंट टाइप की थी, उनके खिलाफ पनिशमेंट टाइप की थी, जो भी चोरी चक्का वगैरह कुछ भी अगर ऐसा गुंडागर्दी वगैरह इसके राज्य में करता था तो उसको ये सीधा सजा देता था, रक्त एवं लौ वाली, तो उसको मतलब इतना बुरा पनिशमेंट देता था कि जो है एक खौफ था वहां पे, किसका, बलबन का खौफ था पूरे राज्य में। और मैंने आपको पीछे बताया था कि बलबन ने जो है एबोलिश किया था, क्या इसने जो तुर्क के चहलगामी वाले जो नोबल्स थे उनको इसने एक एक करके इसने रिमूव कर दिया था, एक टाइम पे इसने पूरा ही जो है एबोलिश कर दिया था, तुर्क के चहलगामी एबोलिश कर दिया था इसने, ठीक है। और उनके लिए क्या किया था इसने, स्पाइस रखे थे, क्योंकि ये जो है खुद भी एक इसका मेंबर था बलबन, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। और ये क्या था, ही वॉज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिस, ठीक है, स्लेव ऑफ इल्तुतमिस। अब हम देखेंगे तो पूरी दिल्ली सल्तनत में जो है तीन स्लेव थे, तीन स्लेव थे, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था कौन, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, और जो है बलबन, बलबन जो है इल्तुतमिश का स्लेव था। तो ये जो है तीन जो है रूलर्स, ये तीन स्लेव थे पूरे दिल्ली सल्तनत पे। और गाइस इसके बारे में एक फैक्ट बताऊं तो इसकी अर्ली लाइफ में इसको किडनैप कर लिया गया था, किसने कर लिया था किडनैप, जो इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स आए थे ना, चंगेज खान इन्वेडर आया था, किसका पीछा, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते, तो उन लोगों ने यानी कि मंगोल लोगों ने इसको किडनैप कर लिया था, किडनैप बाय मंगोल्स इन हिज अर्ली लाइफ। किसकी बात कर रहे हैं, बलबन की, ठीक है, किडनैप बाय मंगोल्स इन हिज अर्ली लाइफ। सो गाइस अब इसने क्या किया, इसने एक इम्पोर्टेंट काम ये किया, इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए, मैं एक एक करके आपको लिखा रहा हूं। इसने एक जो पॉलिसी चलाई थी रक्त एवं लौ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, ये कि इसका इम्पोर्टेंट काम था गाइस। दूसरा इम्पोर्टेंट काम ये था कि इसने जो है एबॉलिश कर दिया था, किसको, तुर्क के चहलगानी को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो इसने अगला इम्पोर्टेंट काम ये किया, इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, दीवान ए आरिज, ठीक है, दीवान ए आरिज। अब ये इसने क्यों बनाया होगा गाइस, क्योंकि इसके टाइम पे जो है मंगोला का आक्रमण जो है बहुत हो गया था, इन्वेजन हद से ज्यादा हो गया था, ये जो है बार बार आक्रमण करते रहते थे इसके टाइम पे, मंगोल लोग इंडिया में बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे, तो उसके लिए इसने एक दीवाने आरिज करके मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाई, अपनी एक मिलिट्री बनाई, ठीक है, बहुत अच्छी सी मिलिट्री बनाई इसने, ठीक है, बहुत टैलेंटेड थे। सो जस्ट टू अपोज देम, टू अपोज मंगोल्स, ठीक है, उसके लिए खास तौर पे जो है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाई, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मंगोल्स लोग जो है इसके टाइम पे बहुत आक्रमण करते थे, इन्वेट करते थे, ठीक है गाइस। और इसने क्या किया था, इसने एक इम्पोर्टेंट काम ये किया था, इसने जो है पूरा फोर्टिफिकेशन करवा दिया था, यानी कि किलेबंदी करवा दी थी पूरे अपने राज्य की, किस कारण, जब यही हम मंगोलों से बचने के कारण। सो गाइस अगला इम्पोर्टेंट काम ये था, मैंने बताया था कि इसने जो है स्पाइस यानी कि गुप्तचर व्यवस्था शुरू की थी, बनाई थी स्पाइनेज सिस्टम, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था इसने चालू की थी, क्यों की थी, क्योंकि उस पे ये जो गुप्तचर लोग हैं किस पे नजर रख सके, इन उस पे ये जो मैंने बताया तुर्क के चहलगामी वाले मेंबर 40 है, यानी कि 40 सरदार, 40 लोग जो थे उन पे नजर रख सके, ठीक है, उसके लिए इसने स्पेशल एस्पियनेज सिस्टम बनाया था। और इसका जो हेड था एस्पियनेज सिस्टम का, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था का जो हेड था, जो सब पे नजर रखता था, यानी कि जो सारे गुप्तचर जितने भी गुप्तचर थे उनको हेड करता था, वो उसका वो कौन होता था, तो गाइज वो होता था बरीद ए ममलिक, अच्छे से देखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है, बरीद ए ममलिक, ठीक है। और जितने भी स्पाइस होते थे, जितने भी गुप्तचर होते थे, उनको क्या बोलते थे, बरीद, बरीद बोलते थे, ठीक है। और गाइज स्पेनिश सिस्टम बनाने के अलावा इसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसको डिस्ट्रॉय किया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और बार बार बता रहा हूं, इसने जो है तुर्क के चहलगामी यानी कि जो इल्तुतमिश ने क्रिएट किया था, 40 सरदारों का एक ग्रुप जो गठन किया था इसने इल्तुतमिश ने, उसको जो है इसको इसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, बलबन ने जो है हटा दिया, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो गाइज इसका जो अगला इम्पोर्टेंट काम था, आपने सुना होगा बहुत बार, इसने जो इंट्रोड्यूस किया था सिजदा
एंड पाबोस वाला सिस्टम जो है इसने शुरू किया था। किसने किया था? सुजैन पाबोस, जिसका मतलब क्या होता है, टचिंग बेंडिंग नीज, यानी कि घुटने के बल पे झुकना, बेंडिंग नीज एंड टचिंग एंड किसिंग द फीट ऑफ किंग एंड किसिंग द फीट ऑफ किंग, यानी कि जो मोनार्क होता था उसका पैर घुटने के बल झुक के उसके पैरों को चूमना, ठीक है। ये इसने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, किसने? गियासुद्दीन बलबन ने, उलुग खान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उलुग खान। मैंने आपको टाइटल तो बताया ही था लेकिन फिर भी यहां पे लिख देता हूं, उलुग खान, ठीक है गाइस। सो ये था सजदा और पाबोस का सिस्टम, क्या होता है, मतलब घुटने के बल बैठो और जो है राजा के पैर चूमो। ये इसने एक अलग सिस्टम बनाया था, और उसके बाद इसने एक सिस्टम बनाया था गाइस, नाकिब ई निकाबा, ठीक है गाइस। तो ये था नाकिब ए निकाबा। अब ये क्या था, तो गाइस जब भी राजा दरबार पे आता था ना, तो जब भी अपने कोर्ट से, अपने महल से जब दरबार में आता था, जहां पे जितने भी इसके मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे, जितने भी इसके ऑफिशियल लोग बैठते थे, तो वहां पे एक अलर्ट साउंड यानी कि एक बेल टाइप की बजती थी, उसको क्या बोलते थे गाइस, नाकिब ए निकाबा, ठीक है, नाकिब ए निकाबा बोलते थे, यानी कि अलर्ट साउंड थी, एक अलर्ट साउंड, ठीक है गाइस, अलर्ट साउंड बिफोर अराइवल ऑफ किंग, समझ गए हो गए आप ये, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, और बताता हूं, और आपको ये बताता हूं कि जैसे कि इल्तुतमिस ने अपना जो अंपायर है, अपने जितने भी नोबल्स लोग उसने क्रिएट किए थे, उनको क्या करता था, एकता देता था, एकतादारी सिस्टम जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे ही जो है बलबन ने क्या किया, सिकदारी, ठीक है गाइस, क्या किया, सिकदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब ये क्या करता था, अपने इसके जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको क्या करता था, सिकदारी सिस्टम जो इसने इंट्रोड्यूस किया था उस पर क्या करता था, सिख में इसने डिवाइड कर दिया, यानी कि सिख में डिवाइड कर दिया, और क्या किया, जितने भी इसके ऑफिसर्स थे उसको क्या बोलते थे, सिकदार, ठीक है, सिकदार। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि इसने अपने पूरे एम्पायर को जो है सिख में डिवाइड कर दिया, जैसे कि इल्तुतमिस ने एकता में गया था, वैसे इसने सिख में डिवाइड कर दिया, और जो इसका ऑफिसर होते थे, ठीक है, सिकदार, एक ऑफिसर जो है इसने अपॉइंट किया, जो इसको, जो इसका देखरेख करता था, किसका, सिख का, जो सिख जो है इसने एक तरीके से जो है अंपायर को डिवाइड कर दिया था सिखों में, और इस सिख को एक ऑफिसर होता था, उसका नाम क्या था, सिकदार, ठीक है गाइस। और गाइस जो एकता सिस्टम तो इसके टाइम पे भी चला आ रहा था, ठीक है। अब इसने एकता सिस्टम में, मैंने आपको बताया था क्या होता था कि लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था, उससे इनकम जनरेट होती थी, तो उसी इनकम जनरेट जो सिस्टम था उसमें से, ताकि बेटर अच्छे तरीके से इनकम आई जाए, उसके लिए इसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, उस ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं, ख्वाजा, ख्वाजा करके इसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, ठीक है गाइस, जो किसकी टेक केयर करता था, इकतास की टेक केयर करता था, उससे जितनी भी इनकम जनरेट होती थी, तो उस चीज के लिए इसको अपॉइंट किया था ख्वाजा को, ठीक है गाइस। अब इसके टाइम पे क्या हुआ, एक तुगरिल बेग था, ठीक है गाइस, तुगरिल बेग, ठीक है गाइस, तो तुगरिल बेग या फिर हम बोलते हैं तुगरिल खां, तो गाइस ये कौन था, गाइस ये था गवर्नर था, कहां का, बंगाल टाइम पे। तो गाइस इस तुगरिल खान ने क्या किया, इसने 1279 एडी में, गाइस ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1279 एडी में जो है इसने जो है एक रिबेल कर दिया, किसके खिलाफ, बलबन के खिलाफ। अब होता ये था कि अगर कहीं पे भी राजा थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, तो जितने भी उसने गवर्नर अपॉइंट किए सारे स्टेट में जगह जगह, जैसे आजकल भी होता है, तो वो क्या करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते, तो वो अपने आप को खुद राजा बना देते उस एरिया का, वो नहीं मानते थे उस राजा की। तो इसने भी, तुगरिल खान ने भी ऐसे ही किया। अब ये बात जो है बलबन को पसंद नहीं आई, तो बलबन ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी, इसके अगेंस्ट एक्सपीडिशन किया, ठीक है। तो उसने एक बार आर्मी भेजी, हरा दिया तुगरिल खान ने, दूसरी बार आर्मी भेजी, उसको भी हरा दिया। तो मैं ये बता रहा था तुगरिल खान कहां का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो गाइस इस जो गवर्नर, ये बंगाल का गवर्नर है तुगरिल खान, इसने रिवॉल्ट कर दिया,
इसने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ, बलबन के खिलाफ। अब ये बात बलबन को पसंद नहीं है, इसने दो बार अपनी आर्मी भेजी, दोनों बार जो है तुगरिल खान ने हरा दिया, तो तीसरे बार जो है बलबन खुद गया। बलबन किसके संग गया, बलबन गया अपने बेटे बुगरा खान, ठीक है गाइस। सो अपने बेटे बुगरा खान के संग बलबन गया, ठीक है। जब दो बार इसकी आर्मी को डिफीट कर दिया तुगरिल खान ने, तो इसको बहुत गुस्सा आया बलबन को, अपने बेटे को लिया इसने बुगरा खान और साथ पे चल दिया, ये कहां बंगाल की तरफ इसने रुख मोड़ दिया जहां पे ये रूल कर रहा था तुगरिल बेग, ठीक है गाइस। अब वहां पे जो है जाके इसने कहा, बताता हूं इसको ये बहुत बनता अपने आप को, इसने कैसे अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया मेरे होते हुए, ठीक है। ये मेरे अंडर काम करना चाहिए था बल्कि, और ये जो है मेरी अगेंस्ट बोल रहा है। हाँ सो गाइस, जब ये गया यहाँ पे बलबन इसकी तरफ गया तुगरिल खान की तरफ, जो गवर्नर बंगाल का गवर्नर था, यानी कि गाइस अगर हम देख रहे हैं तो उस समय का बंगाल ये था, ठीक है। ये बांग्लादेश वगैरह और ये सारा जो है ये उड़ीसा वगैरह ये सारा बंगाल में आता था उस समय, राइट गाइस। इतना बड़ा पार्ट हुआ करता था बंगाल का। तो अब यहाँ कहीं पे जो है इसकी कैपिटल थी, कैपिटल लखनऊवती, ठीक है गाइस। तो यहाँ कहीं पे इसकी कैपिटल होती थी लखनऊवती बंगाल की उस समय, जो कौन तुगरिल बेग यहाँ पे रूल करता था, गवर्नर था यहाँ का। तो गाइस जब इसे पता चला कि बलबन इज कमिंग टू मी, बलबन इज कमिंग टू कमिंग विथ हिज सन एंड विथ हिज ह्यूज आर्मी, तो ही रैन अवे फ्रॉम हियर, ये यहां से भाग गया। और भागते भागते कहां पहुंच गया, इधर उड़ीसा का, उड़ीसा में ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज जयानगर, ठीक है। तो जयानगर पे उस समय जंगल हुआ करता था, घना जंगल हुआ करता था, यानी कि जयानगर के जंगलों में ये जाके छिप गया, ठीक है गाइस, छिप गया और अपनी फैमिली वगैरह को भी लेके गया होगा साथ पे। और तो गाइस यही मैं आपको मैप पे दिखाता हूं अच्छे से। तो गाइस ये देखिए मैंने सर्च किया है लखनऊती और जयानगर उड़ीसा। तो गाइस ये है, ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट पोर्शन, ये लखनऊती था उस समय का, ठीक है गाइस, लखनऊती था, ठीक है गाइस, जिसको हम और क्या बोलते हैं गौड़, ठीक है, लखनऊती या गौड़। तो गाइस ये जो है यहां से भाग के ये पहुंच गया, यहां कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है हरा हरा, तो इसी फॉरेस्ट में जाके ये छिप गया। और ये फॉरेस्ट कौन सा था, जयनगर का फॉरेस्ट, कहां है, उड़ीसा में, ठीक है। और उस समय जो सारा पार्ट था किसका था, ये सारा जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था, ठीक है, यहां से लेके उधर नॉर्थ तक, ठीक है गाइस। तो ऐसा हुआ, तो गाइस जब ये यहां से जाके यहां छिप गया, ठीक है, तो गाइस एक चीज नोट कीजिए, देखिए टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 567 किलोमीटर, 4 days 19 आवर्स का रास्ता है। तो गाइस उस समय बहुत बड़ी बात होती है, इतना जो है उस समय कोई गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, है ना, ना प्लेन ना ट्रेन ना बस, कुछ ऐसा तो होता नहीं था साधन, ठीक है। फिर भी ये देखो अपनी जान बचाने के लिए यहां से यहां भाग गया, खौफ देखना बलबन का कितना ज्यादा खौफ था बलबन का उस समय। तो जो है यहां से ये यहां पहुंच गया 567 किलोमीटर, यानी कि 567 किलोमीटर ये भाग गया बलबन से बचने के लिए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन बाद में एज अ रिजल्ट हुआ क्या हुआ, ये कि जो ये बलबन और अपने बेटे बुगरा खान को लेके आया था किसको, तुगरिल बेग को मारने के लिए, तो वो वहां से भाग गया, और कौन, तुगरिल बेग भाग गया, ठीक है गाइस। तो भाग गया तो इसने अपने बेटे जो है बुगरा खान को लेके आया था साथ पे, इसने इसको यहां का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, जहां का कौन था, तुगरिल बेग गवर्नर था, तो उसकी जगह इसने अपने बेटे बुगरा खान को अपॉइंट कर दिया एज अ न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। और क्या किया बलबन, अब राजा भाई, राजा तो राजा है, इसने क्या किया, इसकी पूरी फैमिली के साथ इसको किसको, तुगरिल बेग को, जो जाके छिप गया था लखनऊती के जंगलों में जो उड़ीसा पे है, वहां पे से इसके फैमिली सहित इसको उठवा दिया और उसको पूरा मरवा दिया अपनी फैमिली के साथ। किसकी फैमिली के साथ, तुगरिल बेग और उसकी पूरी फैमिली को इसने मार दिया, किसने, बलबन ने गाइस, ठीक है। तो ये फैक्ट था एक, और ये जो, और गाइस ये जो रिवॉल्ट था ये था 1279 में, किसके किसके बीच में, तुगरिल बेग या तुगरिल खां और बलबन के बीच में, ठीक है। सो गाइस ये सब था गियासुद्दीन बलबन के बारे में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। तो गाइस सबसे पहला जो फैक्ट है, ये अपने कोर्ट में, यानी कि अपने दरबार में कभी भी हंसता नहीं था, ही नेवर लाफ्ड इन द कोर्ट, ठीक है। और जो दूसरा था, इसने क्या किया था, जो शराब वगैरह थी, लिक्वर वगैरह, ठीक है, इसने प्रोहिबिट कर दी थी, लिक्वर प्रोहिबिट कर दी थी इसने, यानी मदिरा वगैरह जो है इसने मदिरा का सेवन अपने कोर्ट में जो है उसको एबोलिश या प्रोहिबिट कर दी थी, ठीक है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये जो है जनता से दूरी बना के रखता था, ठीक है, यानी कि ही
यानी कि ही कैप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम मासेस, ठीक है गाइस, ही कैप्ट डिस्टेंस फ्रॉम मासेस एंड ही इवन रिफ्यूज टू ही इवन रिफ्यूज टू टॉक विथ कॉमन पीपल्स, यानी कि आम लोग जितने भी इसकी जनता थी उनसे ये बात करने में भी थोड़ा कतराता था, बात नहीं करता था, ठीक है, एटीट्यूड था। तो गाइस अगला फैक्ट ये है कि इसने अपने आप को क्या बोला, डिप्टी ऑफ खलीफा, ठीक है, यानी कि खलीफा का डिप्टी इसने अपने आप को कहलाया, ठीक है गाइस। और इसने दो जनों को संरक्षण दिया था अपने कोर्ट में, एक था अमीर हसन, द वेरी फेमस अमीर हसन एंड द वेरी फेमस अमीर खुसरो, ठीक है गाइस, अमीर हसन एंड अमीर खुसरो जो है इसकी इसके टाइम पे जो है इसके कोर्ट पे रहते थे। और गाइज इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया था, क्यों, जितने भी इसके खिलाफ रिवॉल्ट वगैरह होते थे, डकॉइट्स डाकू वगैरह, उनके खिलाफ क्या करता था ये, इसने ये पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, ताकि उनको सप्रेस कर सके। तो गाइज ये जो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट पे और इसने इसको संरक्षण दिया था, यानी कि ही पैटर्नाइज दीज टू स्कॉलर्स, ठीक है गाइज। और गाइज इसके बारे में एक फैक्ट ये बोला जाता है कि ना तो इसने एक इंच जमीन जो है किसी की हड़पी, ना ही किसी ना एक इंच जमीन इसने खोने दी, गाइज ही नेदर गेन, ठीक है गाइज, ही नेदर गेन नॉर लॉस्ट अ इंच ऑफ टेरिटरी। तो ये थे गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। और गाइज इसने एक फेमस इंपॉर्टेंट कोट ये भी बोला था कि जब भी ये किसी मैं किसी निम्न जात निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरा जो है खून खौल उठता है, ये इसने फेमस कोट बोला था। तो यही वजह थी कि ये जो है लोगों से डिस्टेंस बना के रखता था और लोगों से मिलता भी नहीं था, ठीक है गाइज। तो गाइज ये इसका कोट था, व्हेन आई हैपन टू, ठीक है गाइज, व्हेन आई हैपन टू लुक एट अ लो बॉर्न पर्सन एवरी आर्टरी एंड वेन एवरी आर्टरी एंड वेन इन माई बॉडी बिगेन हेजिटेट विथ फ्यूरी, ठीक है गाइस। तो ये जो है कोर्ट इसने बोला था कि जब भी मैं किसी लो निम्न कुल की जाति के लोगों को देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है, मेरी नसें फड़क उठती हैं, ठीक है। तो ये था, तो गाइस एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये रह गई है, मंगोल पॉलिसी, ठीक है गाइस। तो मंगोल पॉलिसी ऑफ बलबन, यानी कि इसकी जो है मंगोल नीति, ठीक है। तो इसने कैसे मंगोलों को अपने वहां आने से रोका, तो ये मैं आपको बताता हूं। सो गाइस मैंने आपको बताया था कि बलबन ने क्या किया, मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए इसने क्या किया, ही क्रिएटेड टू डिफेंस लाइन्स, इसने दो डिफेंस लाइन्स बनाई थी इसके फ्रंट टायर पे, ठीक है। पहली लाइन जो थी वो बनाई थी लाहौर मुल्तान और दीपालपुर, ठीक है गाइस, ये है लाहौर, ये मुल्तान और ये दीपालपुर, ठीक है गाइस, यहीं कहीं दीपालपुर है, ये है दीपालपुर, ये वाला नीचे वाला पॉइंट दीपालपुर है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में तीनों शहर है, ठीक है। यहां पे ऐसे करके इसने एक लाइन बनाई थी। और दूसरी जो इसने लाइन बनाई थी गाइस, वो लाइन इसने बनाई थी सवाना और भटिंडा में, ठीक है गाइस। तो सवाना जो है ये यहां पे हमें दिख रहा है सवाना, और जो भटिंडा हम देख सकते हैं इसमें मैं आपको दिखाता हूं गाइस, यहां कहीं पे जो है सवाना और जो भटिंडा हमारे पंजाब में है, ठीक है गाइस। तो यहां कहीं है पंजाब, ठीक है गाइस, सो यहां कहीं पे जो इसने सवाना से लेके एक लाइन इसने ऐसे यहां पे क्रिएट की है, और यहां से एक दो डिफेंसिव लाइन, ताकि ये जो है मंगोलों का इन्वेजन रोक सके, ठीक है। इसने दो डिफेंस एक बाउंड्री टाइप की बनाई थी उस टाइम पे गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है, उस टाइम पे इसने बाउंड्रीज बनाई थी मुल्ता मंगोलों से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है गाइज। तो एक बार और मैं आपको बताता हूं, पहली बाउंड्री लाइन इसने कहां पे बनाई थी, मुल्तान लाहौर, और यहां पे एक प्लेस है ये, ठीक है, ये इसका प्लेस का नाम क्या है, दीपालपुर, ठीक है दीपालपुर, ये जो तीनों है ये कहां है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में। और जो दूसरी लाइन इसने सवाना, ये भी एक सिटी है पाकिस्तान में, ठीक है। और यहां पे जो हमारे पंजाब में हमारे इंडिया के अंदर जो है भटिंडा, ठीक है गाइस, वहां से लेके इसने सवाना तक दूसरी लाइन बनाई थी, दूसरी बाउंड्री बनाई थी, ठीक है। और गाइस ये हम देख रहे हैं मुल्तान वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो यहां पे इसने अपने बेटे, इसका एक बेटा तो था कौन सा, ठीक है गाइस, एक बेटा तो था इसका बुगरा खां, और जो दूसरा जो इसके दोनों बेटे थे उसका नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक था बुगरा खां, ठीक है, जिसको इसने कहां का गवर्नर बनाया था, उधर बंगाल का, तुगरिल बेग के वहां पर का,
और जो दूसरा बेटा था गाइज, इसका इसका दूसरा बेटा था शहजादा मोहम्मद, ठीक है गाइज, शहजादा मोहम्मद। तो गाइज इसने जब ये लाइंस या बाउंड्रीज यहां पे बनाई तो इसने क्या किया, अपने इस बेटे शहजादा मोहम्मद को यहां पे मुल्तान वाले एरिया पे इसका गवर्नर बना दिया गाइज। जैसे उधर बंगाल का गवर्नर अपने दूसरे बेटे बुगरा खां को बनाया था, तो एक बेटे शहजादा मोहम्मद को इसने यहां पे इसका गवर्नर बना दिया। बोला मेरे बेटे ये मैंने लाइन बनाई है, इसका तुम यहां पे रखवाली करो, यहां पे गवर्नर बन के रहो, ठीक है, कब काम आओगे। और गाइज इसी जगह पे जो है मंगोल्स वगैरह इन्वेजन करते थे, यहीं से आते थे। तो हुआ क्या, 1285 में गाइस, 1285 में जब 1286 में जब इसकी डेथ होती है, किसकी, बलबन की डेथ होती है, उससे ठीक एक साल पहले जब इसने अपने बेटे किसको, इसको शहजादा मोहम्मद को यहां पे इसका गवर्नर बना दिया था मुल्तान का। तो 1285 ईयर में क्या होता है कि मंगोल लोग फिर से आते हैं आक्रमण करने, और इस बार किसकी लीडरशिप में आते हैं, तागर। तो तागर या फिर हम बोलते हैं तामर, तागर या तामर वहां पे लीडरशिप उनका जनरल बन के आता है। और क्या करता है, 1285 में इसके बेटे शहजादा मोहम्मद और इसके बीच में युद्ध होता है तागर मोहम्मद की फौज में। तो उस ईयर में क्या होता है, उस बैटल में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, शहजादा मोहम्मद की डेथ हो जाती है। शहजादा मोहम्मद को ये लोग मार देते हैं, उससे लड़ते लड़ते क्या होता है, शहजादा मोहम्मद वहां पे जो है अपने प्राण त्याग देता है। और इसी उसमें इसके बेटा जो जिसकी डेथ हो जाती है उसको उपाधि मिलती है, किसकी, खान ए शहीद, ठीक है गाइस, खान ए शहीद की उपाधि इसको मिल जाती है, यानी कि ही गॉट द टाइटल ऑफ खान ए शहीद। कौन, शहजादा मोहम्मद सन ऑफ बलबन, ठीक है, बलबन के दो बेटे बुगरा खां, एक बुगरा खां कहां का गवर्नर, बंगाल का, दूसरा बेटा शहजादा मोहम्मद जो गवर्नर बनाता है किसका, मुल्तान का है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। और उसकी जो है 1285 में डेथ हो जाती है मंगोल्स को रोकते हुए, चेक करते हुए इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद इसको जो है बलबन क्या है, किसकी उपाधि देता है, खाने शहीद की। और उसके ठीक अब क्या होता है, इसकी बेटी की डेथ हो जाती है, तो ये थोड़ा परेशान हो जाता है, कौन, बलबन परेशान हो जाता है। और इसके सोच विचार करते करते इसकी जो है उसकी चिंता में जो है फिर 1285 में बलबन की भी डेथ हो जाती है, काफी परेशान हो जाते हैं अपने बेटे की डेथ के बाद, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी इसकी मंगोल पॉलिसी की, इसने दो डिफेंसिव बाउंड्रीज टाइप की बनाई थी, कहां पे, एक बनाई थी इसने मुल्तान लाहौर और दीपालपुर में, ये कहा है मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, ठीक है। और दूसरी इसने जो बाउंड्री बनाई थी, तो गाइस जो इसने दूसरी बाउंड्री बनाई थी वो सवाना से लेके भटिंडा तक इसने बनाई थी, ताकि क्यों, जस्ट बिकॉज जितने भी मंगोल्स हैं उनका इन्वेजन ये रोक पाए, ठीक है। और गाइस मैंने बताया था कि मुल्तान और ये लाहौर पे जो अपने बेटे जो है इसका क्या नाम था बेटे का, शहजादा मोहम्मद, तो उसको यहां का गवर्नर बना देता है, ठीक है। और उसकी 1285 में उसकी डेथ हो जाती है शहजादा मोहम्मद की, ठीक है गाइस। शहजादा मोहम्मद डाइड वाइल चेकिंग मंगोल्स इन्वेजन, ठीक है गाइस, अंडर लीडरशिप ऑफ तागर और तामर, ठीक है। इसके बेटे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के उपरांत इसकी डेथ के बाद इसको टाइटल मिलता है, किसको, शहजादा मोहम्मद को, इसको काय का टाइटल मिलता है, मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए, खान ए शहीद, ठीक है, खान ए शहीद का इसे टाइटल मिलता है इसकी डेथ के बाद, ठीक है। और फिर 1286 में जो है बलबन की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। अब सक्सेसर्स ऑफ बलबन कौन कौन होते हैं, सो सक्सेसर ऑफ बलबन, यानी कि अब जब बलबन की डेथ होती है, ठीक है, 1286 में बलबन की डेथ हो जाती है, और बलबन की डेथ से एक साल पहले यानी कि 1285 में जो इसका बेटा होता है, ठीक है, इसका बेटा कौन, ठीक है गाइस, जो इसका बेटा होता है मोहम्मद, जिसकी डेथ हो जाती है मंगोल्स को चेक करते वक्त, राइट, तो इसका भी बेटा होता है, प्रिंस मोहम्मद का जो बेटा होता है, क्या नाम होता है, कै खुसरो, ठीक है गाइस, कै खुसरो, ठीक है। तो अब बलबन के बाद ये रूल करता है दिल्ली सल्तनत पे, कै खुसरो, ये पोता होता है बलबन का बेसिकली, ठीक है। और प्रिंस मोहम्मद जिसकी तो मतलब बलबन से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा होता है कै खुसरो, वो रूल करता है। सो गाइस अब क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, ये कै खुसरो को कौन रिप्लेस करता है, कै को बाद, ठीक है,
ठीक है गाइस। तो ये कैकुबात इसको कैकुसरो को रिप्लेस करता है। अब कैकुसरो तो इसका बेटा होता है, लेकिन ये कैकुबात कौन होता है गाइस? अब मैंने बताया था बलबन के दो बेटे होते हैं, ठीक है, एक होता है कौन, प्रिंस मोहम्मद, ठीक है, और जो दूसरा होता है जिसको उसने बंगाल का गवर्नर बनाया होता है, राइट, जब वो तुगरिल बेग को वहां करने गया होता है, उसको अटैक करने गया होता है, वहां से बंगाल का गवर्नर बना देता है, तो उसका जो बेटा होता है वो होता है कैकुबात, ठीक है। तो गाइस जब 1286 में बलबन की डेथ हो जाती है, उसके बाद इसके सक्सेसर आते हैं, यानी कि बलबन के बाद जो इम्पोर्टेंट जो रूलर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन जो रूलर्स होते हैं जो दिल्ली सल्तनत पे रूल करते हैं खिलजी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले, तो वो कौन होते हैं, तो सक्सेसर ऑफ बलबन। अब देखिए मैंने बताया कि दो बेटे होते हैं बलबन के, एक होता है मोहम्मद, ठीक है, जिसकी डेथ हो जाती है 1285 में मंगोल्स को चेक करते हुए, और जो दूसरा होता है वो होता है बंगाल का गवर्नर जिसे बनाया होता है, ठीक है, ठीक है, शहजादा मोहम्मद, राइट, जिसकी डेथ हो जाती है, शहजादा मोहम्मद डेथ हो जाती है 1285 में मंगोल्स को चेक करते वक्त। और दूसरा कौन होता है गाइस? दूसरा होता है बुगरिल खां, है ना गाइस? सो दूसरा होता है बुगरा खां, जिसको ये गवर्नर बनाता है कहां का, बंगाल का, जब वहां पे रिवॉल्ट होता है ना, तो फिर बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बना देता है। तुगरिल बेग जब रिवॉल्ट करता है इस बलबन के खिलाफ, तो अब बलबन जब जाता है अपने बेटे बुगरा खां को लेके और उसको हरा देता है वहां पे, तो फिर बुगरा खां अपने बेटे बलबन के बेटे बुगरा खां को बंगाल की गद्दी सौंप देता है, यानी कि बंगाल का गवर्नर बना देता है। अब देखिए बुगरा खां का भी एक बेटा होता है, बुगरा खां का बेटा कौन होता है, कैकुबाद, ठीक है, कैकुबाद इसका बेटा होता है बुगरा खां का, और इसका बेटा जो है शहजादा मोहम्मद का भी एक बेटा होता है गाइस, शहजादा मोहम्मद का बेटा, उसका नाम क्या होता है, कैकुसरो, ठीक है गाइस। तो होता क्या है, 1286 में जब बलबन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो है पहले मतलब डेथ होने से पहले ही अब बलबन देखता है कि मेरा सक्सेसर कौन बनेगा, क्योंकि ये जो है बुगरा खां को बुलाता है, दूसरा बेटा है, लेकिन ये क्या करता है, ये ऐसो आराम वाली जिंदगी जीता, बोलता है मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या बचा, एक इसका बेटा और एक इसका बेटा, तो ये क्या कैकुसरो को बना देता है, ठीक है, तो बोलता है कि जो है मेरा बेटा शहजादा मोहम्मद है, उसका बेटा कैकुसरो, उसको मैं अब दिल्ली की राजगद्दी सौंप देता हूँ। तो अपनी डेथ से उसे पता चलता है कि अब मेरी डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी, तो अपनी डेथ से पहले ही इसे अपॉइंट कर देता है दिल्ली का न्यू सुल्तान, ठीक है, 1286 के बाद की बात है। अब देखिए कितना 1286 से 1290 तक तो ये चलता है, उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। तो देखिएगा होता कैसे है, कैकुसरो को अपॉइंट कर देता है अपनी डेथ से पहले ही। अब जब इसकी 1286 में डेथ हो जाती है बलबन की, तो कैकुसरो जो है यहाँ का एम्परर बन जाता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। लेकिन गाइस बहुत ही जल्द क्या होता है, कैकुसरो को रिप्लेस कौन करता है, यही कैकुबाद, ये जो बुगरा खां का बेटा होता है, ये रिप्लेस कर देता है इसको, ठीक है, इसका सक्सेसर बन जाता है कौन, कैकुबाद। अब देखिए अब कैकुबाद आ गया, यानी कि पहले कैकुसरो, कैकुसरो के बाद कैकुबाद। सो अब गाइस कैकुबाद का भी एक बेटा होता है कैमूर, ठीक है, जो ये दिल्ली स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है कैमूर, ठीक है। तो अब देखिए ये कैमूर जो है ये किसका बेटा होता है, कैकुबाद का, और ये इसको रिप्लेस कर देता है, यानी कि कैकुबाद का सक्सेसर बन जाता है, ठीक है, कौन, कैमूर। अब देखिए ईयर चल रहा है 1290 का, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है कैमूर सक्सीड करता है किसको, कैकुबाद को, अपने फादर को, ठीक है। तो कैमूर सिर्फ 3 महीने रूल कर पाता है, ठीक है, तो गाइस ये जो कैमूर है ये काफी वीक सक्सेसर होता है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देता है कौन, सुन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, ठीक है गाइस, तो जलालुद्दीन खिलजी इसको रिप्लेस कर देता है 1290 AD में। और फिर यहाँ पे 1290 AD में जब ये रिप्लेस करता है, ये 60 साल का होता है, 60 years, ठीक है, काफी उस समय बुड्ढा होता है। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, ये बलबन की आर्मी में एक सोल्जर की तरह काम कर रहा होता है पहले अर्ली लाइफ में, और उसी के बाद ये फायदा उठा के देखता है कि ये जो वीक सक्सेसर है इसको ये अपरूट कर देता है, इसको उखाड़ फेंक देता है यहां से, और फिर खुद का जो एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देता है जिसको हम बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी, ठीक है गाइस। सो ये खिलजी डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश करता है, अप्रोक्स कब करता है, 1290 में कर देता है, और 1290 से जो ये खिलजी डायनेस्टी चलती है 1320 तक, ठीक है गाइस।
यानी कि ये 30 साल का टाइम है, इसमें खिलजी लोग यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। सो ये था पूरा स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और अगली वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे अगली वीडियो लेक्चर में खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी जिसके फाउंडर हैं, ठीक है ये, और इस फिर इसके बाद जो है एक आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है वो काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, उनके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो ये सब था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। सो गाइस अब एक चीज रह गई है इसमें, आर्किटेक्चर ऑफ बलबन। सो गाइस बलबन ने देखिए लाल महल बनाया था दिल्ली में जो है, ठीक है लाल महल इन दिल्ली, और इसके साथ ही इसने खुद का अपना क्या बनाया था, मुजुलियम, ठीक है। ठीक है गाइस अपना खुद का इसने मकबरा बनाया था, ठीक है। सो और इसने एक चीज और बनाई थी, एक फोर्ट बनाया था इसने, ठीक है गोपालगिरी पे इसने एक फोर्ट बनाया था, एक किले का निर्माण कराया था। क्यों कराया था, ताकि जो इसकी पूरा एम्पायर हो उसमें क्या एक शांति बनी रहे, ठीक है, टू मेंटेन पीस इन हिज एम्पायर, टू मेंटेन पीस अराउंड दिल्ली। सो बलबन गॉट कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट एट गोपालगिरी, ठीक है ये सब था इसका कंस्ट्रक्शन गाइस, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ये सब है उसके जो सक्सेसर्स थे उसके बारे में ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स थे कैसा था। तो ये जो है देखिए दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टीज, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ठीक है। उसके बाद जो है स्लेव डायनेस्टी में इतने सारे रूलर्स आते हैं, नासिरुद्दीन महमद, अल्लाउद्दीन मसूद सा, ठीक है ये टाइम पीरियड है इनका, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आता है, और बलबन के बाद जो है मैंने अभी आपको जितने भी बताए हैं कैमूर, कैकोबाद, ठीक है ये सब होते हैं, ठीक है। सो ये सब था गाइस दिल्ली सल्तनत। सो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। सो गाइस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में, और तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट तो जरूर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको थोड़ा सा भी आपका फंडा क्लियर हो तो प्लीज डू द कमेंट कि फंडा क्लियर है सर। ओके बाय।